आखिरी क्वेश्चन है अली अयान अबासी साहब। अली अयान अबासी, अस्सलाम वालेकुम। माय क्वेश्चन इज फ्रॉम द एजुकेशन मिनिस्टर दैट के हमारे मुल्क में 65% यूथ जो है वो बाहर के मुल्क जाके अपनी पढ़ाई मुकम्मल करते हैं, क्यों हमारे मुल्क में ऐसा क्या है? पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर एजुकेशन मोहतरमा जेब जाफर साहब। अच्छा, इन्होंने सवाल किया है कि हमारे बच्चे और जवान जो हैं मुल्क से बाहर तालीम हासिल करने को क्यों तरजीह देते हैं। इसी चीज को आसमा शिराजी साहब के बेटे हैं। अच्छा सर, तभी इतना वैलिड सवाल भी, माशाल्लाह अपनी माँ की तरह इंटेलिजेंट है, तभी इतना इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। सर बिल्कुल सही बात है कि जो लोग अफोर्ड करते हैं वो प्रेफर करते हैं कि उनके बच्चे जो हैं ओवरसीज जाके पढ़ें। हम यही चेंज करना चाहते हैं, हम यही नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करें, नई अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारी कॉलेजेस इक्विवेलेंट हो जाएं, चाहे ऑक्सफर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, उसके इक्विवेलेंट हो, क्योंकि इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में। वी हैव द इंटेलिजेंट एंड इंटेलिजेंट माइंड्स, बट हम उनको कैटर करना चाहते हैं। तो अब हमारी मिनिस्ट्री में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो कॉलेजेस हैं उनके साथ एफिलिएट हों, और हमारे जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो हम कैम्ब्रिज और ओ लेवल्स के लिए ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी उनके सिस्टम को उनको हम इनरोल कर रहे हैं ताकि वो हमें गाइडेंस दें, ताकि हमारी डिग्रीज को पूरी दुनिया में सराहा जाए और अप्रिशिएट किया जाए। थैंक यू। हमें अपना तालीमी मयार जो है वो बहुत ही बेहतर करना है, उसमें मजीद बेहतरी लानी है, लेकिन तालीम हासिल करने के लिए, हुनर हासिल करने के लिए आप दुनिया में जहाँ जा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो तो हमें तो मज़हब भी कहता है कि अगर इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो ज़रूर जाएं, जहाँ से भी इल्म हासिल होता है वहाँ से ज़रूर हासिल करें। कि बहुत मेहरबानी।